और बात करते हैं मध्य प्रदेश के हरदा जिले की, जहां का हंडिया में स्थित रिद्धेश्वर धाम मंदिर हजारों सालों से लोगों के लिए आस्था और विश्वास का केंद्र बना हुआ है। मान्यता है कि नर्मदा के दक्षिण तट पर त्रेता युग में कुबेर ने शिवलिंग की स्थापना की थी, जो कि आज भी शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है। पत्थरों पर शिल्पकारों की अद्भुत नक्काशी सहज ही अपनी तरफ आकर्षित करती है। रिद्धनाथ मंदिर अपने कलात्मक सौंदर्य तथा वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संरक्षित घोषित है। इस मंदिर के संबंध में रिद्धनाथ महादेव मंदिर के पुरोहित नवीन व्यास का कहना है कि वह वंशानुगत पिछले 7 पीढ़ियों से मंदिर के पुरोहित बने हुए हैं, जहाँ पर दिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते रहते हैं। बताया जाता है कि कुबेर की नगरी हंडिया में स्थित शिवलिंग स्वयं ही कुबेर जी ने स्थापित किया था। जो कि कहा जाता पुराने समय में नागापट्टन नामक शहर था, और त्रेता युग की जब बात है कि जब रावण ने उनके भाई कुबेर को लंकापुरी राज्य से निष्कासित कर दिया, तो वह दुखी असहाय होकर इसी तट पर आए और एक शिवलिंग का निर्माण किया। सालों से लगातार यहाँ आती हूँ, मेरे जितने भी शुभ काम हैं, तो ये धन के देवता कुबेर द्वारा निर्मित ये मंदिर है, शिव मंदिर। यहाँ पे जो भी मन्नत मांगते हैं वो निश्चित पूरी होती है, और माँ रेवा का आशीर्वाद हम लोग पे बना रहता है। आज ये भगवान विद्येश्वर का मंदिर है, यहाँ पर इनको ऋण मुक्तेश्वर भी कहा जाता है। जिस किसी व्यक्ति के ऊपर पैसे का ऋण या किसी भी प्रकार का ऋण चढ़ा हुआ होता है, तो यहाँ पर सभी प्रकार की वस्तुओं से अभिषेक करने से यहाँ का ऋण उतर जाता है।